नमस्कार और आप देख रहे हैं सीटीयू न्यूज। देश दुनिया की बड़ी 20 खबरों के साथ मैं करिश्मा से। केंद्र बोला बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिकतर बंद। ममता ने पीएम को लिखा था देश में रोज 90 केस हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने आरक्षण को अवैध बताया था, ममता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। महाराष्ट्र में एमबीए की बैठक आज। संजय राउत ने मुंबई की 99% सीटों पर राय बनाने का दावा किया था, कांग्रेस एनसीपी ने खारिज किया। केजरीवाल की सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म। राउज एवनी कोर्ट में सुनवाई आज। 5 महीने से जेल में है दिल्ली सीएम। विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी। जज ने कहा था आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई। असम सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। एकनाथ शिंदे बोले तेज हवा से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी। कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 पर एफआईआर। मोदी ने 8 महीने पहले मूर्ति का उद्घाटन किया था। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले बटेंगे तो कटेंगे। ओवैसी का पलटवार, शेख हसीना की तरह गोलियां चलवाएंगे। अखिलेश ने कहा डबल इंजन कहीं दुबक गया। कश्मीरी छात्राओं ने राहुल गांधी से पूछा शादी कब करेंगे, जवाब कोई प्लानिंग नहीं, होती है तो ठीक है, अब इस दबाव से निकल चुके। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 9 कैंडिडेट का ऐलान। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 18 उम्मीदवार उतार चुकी, दोनों पार्टी गठबंधन में। पाकिस्तान में 3 आतंकी हमले, 73 की मौत। बलूचिस्तान में हाईवे बंद कर 23 लोगों को गोली मारी। रेलवे लाइन और पुलिस स्टेशनों पर भी अटैक। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर रोक लगाई। घर से बाहर निकलने पर चेहरा और शरीर ढकना जरूरी, नहीं तो कड़ी सजा मिलेगी। रूस पर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला। 38 मंजिला इमारत से टकराया ड्रोन। पलटवार में रूस ने 100 मिसाइलें और 100 ड्रोन दागे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से फोन पर बात की। यूक्रेन और बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा। शांति के लिए भारत का समर्थन दोहराया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बनेगा श्रीकृष्ण गगनपथ। 525 किलोमीटर का धार्मिक सर्किट उज्जैन से छालावाड़ भरतपुर होते हुए मथुरा तक जाएगा। झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी आजसू। अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने की घोषणा। 2019 में टूट गया था गठबंधन। गुजरात में बाढ़, 17,000 लोगों का रेस्क्यू। प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में 13 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा बारिश। इंडियन बैंक में 300 पदों पर भर्ती। नीट यूजी काउंसलिंग का राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल घोषित। 6 अक्टूबर के इंडिया और पाकिस्तान मैच। 18 दिन में 23 मुकाबले। दुबई में होगा फाइनल। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे आमिर खान। कहा आज भी लोग आपको गलत नजर से देखते हैं, हर किसी को लगता है आप विलेन हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।